बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगैर डिग्री के आप यूएई का कौन सा वीजा ले सकते हैं? और आपका वीजा भी लगेगा और इधर आकर आप कामकाज भी करेंगे। जानने के लिए ये मुकम्मल तौर पर आपने व्लॉग देख लेना है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, मेरा नाम अफनान अली है, आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन से आप बाखबर रह सकेंगे। चूंकि मैं इस टॉपिक पर पहले भी आज से काफी देर पहले आपको वीडियो दे चुका हूं, तो तफसीलन वीडियो आप अभी जो है ना वो समाप्त कर लें। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की डिग्री की। चंद वीजा की कैटेगरियां मैं आपको बताऊंगा, चंद वीजे ऐसे हैं कि जिनके लिए किसी किस्म की कोई डिग्री जरूरी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, यूएई ने जो एक सिस्टम मुतारफ करवाया है, एक स्किल्ड कैटेगरी बनाई है और एक अनस्किल्ड कैटेगरी बनाई है। आप अगर स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी अटेस्टेड डिग्री होना जरूरी है। डिग्री कौन सी, मैक्सिमम भी आपकी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, बीए की डिग्री है, तो आप यूएई के अंदर स्किल्ड कैटेगरी के अंदर वीजा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो यहां पर डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर का रोला पड़ा हुआ है, मिक्स नेशनलिटी का रोला पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो कोई मसला नहीं है। मैं चंद वीजे आपको बता देता हूं। सबसे पहला वीजा है अरबी के घर का वीजा। लोकल इमाराती जो अरबी हैं, इनके घर का अगर आप वीजा लेते हैं तो इसके लिए किसी किस्म की कोई डिग्री जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको जो है इनडोर काम करना पड़ सकता है, खजूर के मदरे में काम हो सकता है, या जो भी अरबी की घर का जो काम काज है वो आपको करना पड़ सकता है। हाउस ड्राइवर का काम भी आप कर सकते हैं, देखो कोई भी काम जो है आप यहां पर कर सकते हैं। अब आपने मेक श्योर करना है इस बात को कि अरबी के घर का वीजा कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आपका सबसे जो मेन चीज है रेफरेंस। रेफरेंस अगर आपका है तो आप ये वीजा जो है ना वो ले सकते हैं। तो नंबर वन पे अरबी के लोकल इमाराती अरबी के घर का वीजा, अगर उसका कोटा उसके पास है तो ये वीजा आप ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर फ्री जोन कंपनी का वीजा, इसके लिए भी किसी किस्म की कोई डिग्री जरूरी नहीं है। तो डिग्री के हवाला से भी मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, फ्री जोन के हवाला से भी काफी व्लॉग्स बनाए हैं मैंने, उधर जाकर बाकायदा व्लॉग बनाया है, वो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर मैंने व्लॉग दिया हुआ है, आप जाकर वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्री जोन कंपनी का वीजा ले सकते हैं आप बगैर डिग्री के। इसी तरह अगर आप जो है ना वो बगैर डिग्री के इधर आना चाहते हैं तो विजिट वीजा आप ले सकते हैं। वन मंथ का भी ओपन है, टू मंथ का विजिट वीजा भी जो है वो ओपन है। बगैर डिग्री के आप विजिट वीजा ले सकते हैं, इसके लिए भी किसी किस्म की कोई डिग्री जरूरी नहीं है। लेकिन विजिट वीजा पर सबसे जो मेन प्रॉब्लम बन रही है वो जॉब फाइंडिंग के बाद वीजा की है, ठीक है ना। तो आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि अगर आप विजिट वीजा पर वैसे ही आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो बगैर डिग्री के आप विजिट वीजा ले सकते हैं। इसी तरह सेकंड जो वीजा है वो है जनाबे वाला आजाद वीजा, जिसको हम फ्रीलांस वीजा भी कहते हैं। अगर आजाद वीजा नाम की कोई चीज नहीं होती, ये एक इसको बस नाम दे दिया गया है, इस पर एक लेबल लगा दिया गया है, ये कंपनी का ही वीजा होता है। इसमें आपको एक एनओसी जारी कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो फ्रीलांस वीजा आप ले सकते हैं बगैर डिग्री के, ठीक है ना। इन दिनों के अंदर इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा है, 8-9 हजार 10 हजार तक भी ये वीजा सेल हुआ है। तो ये बात आप मेक श्योर करें कि आपका बजट अगर इतना है तो आप ये वीजा ले सकते हैं, अदरवाइज ये वीजा आप ना लें। और ये चीज भी मैटर करती है कि आप ये वीजा लेने के बाद कौन सा काम आपने सीखा है, कौन सी स्किल आपके पास है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टेक्निकली काम जानते हैं, एसी टेक्नीशियन है, मैसन है, प्लम्बर है, तो ये वीजा आपके लिए बेनिफिट वाला होगा। अदरवाइज मेरा मशवरा ये है कि आप ये वीजा, फ्रीलांस वीजा, आजाद वीजा ना लें, ठीक है ना। अगर आप ड्राइवर हैं तो बगैर डिग्री के ये वीजा ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये चीज बताता चलूं, बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि जी हम ड्राइवर हैं तो हमारे लिए भी कोई डिग्री जरूरी है। भाई, ड्राइवर के लिए किसी किस्म की कोई डिग्री जरूरी नहीं है, ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसी तरह लेबर के लिए भी कोई डिग्री जरूरी नहीं है, लेकिन हर कंपनी का मेन लैंड में लेबर वीजा नहीं लग रहा, रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। कोटा सिस्टम मैटर कर रहा है, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी यानी मिक्स नेशनलिटी के बंदों का सिस्टम मैटर कर रहा है। इस पर भी मैं अलहदा से मैंने वीडियो बनाई है, जाकर वो देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो वीजा है वो है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, 5 साल विजिट वीजा है मल्टीपल एंट्री, यानी जब चाहे आप इधर आ सकते हैं जा सकते हैं। इस हवाले से भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। इसी तरह बगैर डिग्री के आप पार्टनर वीजा ले सकते हैं, पार्टनर वीजा के हवाले से भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप जाकर वो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट देखें, प्रोफाइल चेक करें, जाकर सारी चीजें मैंने अवेलेबल की हैं। मैं कोई आपको सब बात दिखाता नहीं हूं, जो भी बात बताता हूं इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देता हूं, और जो चीज मुझे पता होती है वो ही बताता हूं, फजूल किधर आकर बोंगियां मैं मारता नहीं हूं। तो ये चंद कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, बगैर डिग्री के आप ये सारे के सारे वीजे ले सकते हैं, इनके लिए किसी किस्म की कोई डिग्री जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये बात आप मेक श्योर करें, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और भरपूर इन पर मैंने रिसर्च करके ये सारी की सारी वीडियो रेडी की हैं। उम्मीद है जी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।